सो हे गाइस, आई एम बैक विद रॉकेट। सर, पिछली बार हमने इस रॉकेट के साथ बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखे थे, और क्या जिसमें से हमारा जो सबसे बढ़िया वाला एक्सपेरिमेंट था वो था हमारे रॉकेट ने जो वजन लेकर के उड़ा था, वो वाला मुझे सबसे बेस्ट लगा। क्यों गाइस, ये रॉकेट 20 ग्राम वजन को आसानी से लेकर के उड़ गया था, और तब से मेरे दिमाग में एक आइडिया है गाइस, क्या होगा अगर मैं इस रॉकेट के नीचे इस कैमरे को बांध दूं। लेकिन गाइस यहां पर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हमारा रॉकेट है मैक्सिमम 20 ग्राम वजन को अपने साथ लेकर के उड़ा था, लेकिन गाइस जो हमारा कैमरा है वो 500 ग्राम से भी ज्यादा वजन का है। लेकिन गाइस जिससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि मार्केट में जितने भी कैमरे अवेलेबल है उनका वजन मिनिमम 60 ग्राम से प्लस है। जैसे कैमरा चाहिए जिसका वजन लगभग 20 ग्राम हो, तो चलो अब कुछ ऑनलाइन सर्च करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें कुछ तो मिल ही जाना चाहिए। बहुत देर तक सर्च करने के बाद मुझे एक कैमरा मिला है, और क्या जब जो इसका कैमरे का वजन भी 20 ग्राम ही है। तो यार अभी हमारा जो कैमरा है वो आ चुका है, चलो अब इस कैमरे की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यार ये रहा हमारा कैमरा, चलो अभी इसका वेट चेक करते हैं कि इसका वजन अभी कितना है। तो अभी यहाँ पर इस कैमरे का वजन सिर्फ 11 ग्राम है, लेकिन गाइस जब मैं ऑनलाइन तो इस कैमरे का वजन 20 ग्राम बताया गया था। अच्छा हुआ कि इसका वजन वैसे भी कम है, ये अच्छे और अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो चलो अभी इस कैमरे को हम इस रॉकेट में यहाँ पर अच्छे से फिक्स कर देते हैं, और गाइस उसके बाद हम इस रॉकेट को चलाएंगे और फिर देखते हैं कि हमारा जो कैमरा है ये ड्रोन की तरह शॉट ले पाता है या फिर नहीं, जिसकी क्वालिटी कैसी है। अभी आप जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हो ये इस कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है। तैयार भी मैंने इस कैमरे को इस रॉकेट में लगा दिया है, चलो अब इस रॉकेट को चला करके देखते हैं। रिकॉर्डिंग नहीं देखी, लेकिन गाइज आपने जरूर देख ली होगी। जुड़े चले गए तो 1 लाख जोर से करना, मैं मिलता हूँ आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, और इस तरह के मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।